हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आए एक और नई वीडियो के साथ धमाका करने। टाइटल में देख के आपको पता तो चली गया होगा कि आज हम कौन सा व्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो हमने सिलेक्ट किया कॉफ़ी बीन्स को, तो हम अंदर जाके आपको पूरा मतलब फूड के बारे में कैसा टेस्ट है उसका, और क्या इंटीरियर है, क्या सीटिंग अरेंजमेंट है, और स्पेशल चीज़ें हैं जो मतलब आपको शायद पता हो या नहीं हो, तो आज हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमारे मार्केट देख लेते हैं, गेट खुला है बकरा। हम भी नहीं गए, तो चलो साथ में चलते हैं। आज ये नहीं सीधा चलते हैं कॉफी बीन्स। हाँ, तो सीधा हम कॉफी बीन्स में जाके मिलते हैं बिना आपके टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पे तो ऑफकोर्स लोग बाहर निकल रहे हैं अभी फिलहाल, तो मिलते हैं वहाँ जाके। पहुँच गए कॉफी बीन्स, तो चलो अंदर चल के आपको बता दें मतलब कैसा अंदर। फाइनली हमारे हाथ में मेनू है, हम ऑर्डर करने जा रहे हैं। तो कहाँ से शुरू करें? कुछ भी मंगा दे, अच्छा सा मंगा दे, भूख बहुत लगी है। तेरे भी मंगाना है? तो मेरे तो मंगा रहा हूँ ये ओरियो फ्रिक्स एक, तेरे ये एस्प्रेसो मंगा देता हूँ 59 की। नहीं सही रहेगा ना? नहीं नहीं सही नहीं रहेगा, बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो क्या तेरी तरफ से मुझे पूरा क्यों ये ट्रीट तो तेरी तरफ से है ना? हाँ मेरी तरफ से, खाना मेरी तरफ से, पैसे तेरी तरफ से। ओके, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम अभी ऑर्डर करें ये ओरियो फ्रिक्स एक दोनों के लिए। ठीक है, दो ओरियो फ्रिक्स एक। और क्या मंगाना है? एक बार ये दो ओरियो फ्रिक्स एक मिला दो। ओके, तेरे के ये नहीं तो दो यही करेंगे। लॉकडाउन की वजह से यहाँ भीड़ कम है, तो व्लॉग शूट करने में सबसे ज़्यादा आसानी रह रही है, वरना लोग देखते हैं तो क्या करें, देखे करें। अरे यार मतलब हद होगी। तो बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है बाहर, और हमने सोचा कि आज यहाँ पे व्लॉग बना देते हैं। कॉफ़ी पीनी है? कॉफ़ी में से यहाँ कौन सी कॉफ़ी? आने तो मेनू मेनू तो मेनू के ऊपर तक कैमरा रख दिया। तो भाई ये रहा तेरा मेनू। वहाँ पर लाइट कंडीशन थोड़ी सही नहीं, तो यहाँ पे आके बैठ गए हम। तो ये खाते जितने भैया, एक ये डिजर्ट में डार्क ड्रिंक ला दो। ये ख़त्म होगा जितने दूसरा तैयार है, तो पैसे तो इसको देने हैं, तो ख़त्म करने में अपने के जाते हैं भैया। ठीक है, बिस्कुट इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कभी आओ तो ये ओरियो फ्रिक्स एक जरूर ट्राई करना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये। और एक ये स्पेशल पनीर पिज़्ज़ा, ये भी आप एक ला दो। चीयर्स। ज़्यादा अच्छा दिखता है ये। जब पैसे ये देता है तो मेरे को पता नहीं, टेस्ट करने को लगता है मतलब ये
भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लूट ले लूट ले और तो इसमें पनीर के बाइट्स भी है, मतलब मेरी डाइट के काम आ जाएंगे। जिम तो बंद है, डाइट तो चालू ही है। इससे क्या कर रहा है, इससे थोड़ी होता है, नहीं होती। ये क्या है कि मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ पनीर को? हाँ, इसको मेरे में डाल दे ताकि, मतलब मेरी डाइट है ये, तेरी थोड़ी है। कुकर को तो देखो पैसे क्या दे रहा है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ मैं तो खाऊँगा पूरा ये। काफ़ी लोग आ गए यहाँ पे, सोचा तो कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, ठीक है ना। तो चलो फिर भी अंदर तो हमारा शूट कंटिन्यू करना है। मुझे लगता है कि साउंड भी अच्छा ही आए, क्योंकि थोड़े बहुत ज़्यादा है वाला, हो सकता है साउंड में भी बहुत प्रॉब्लम, और हम ऊँचा भी नहीं बोल सकते, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए तो उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। फाइनली हमारा खाना हो चुका है, तो और भी लोग यहाँ पे आए तो उनका एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ पे। तो इनसे पूछते हैं, एक्सक्यूज मी, तो यहाँ का फूड कैसा लगा आपको? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, यहाँ की चीज भी अच्छी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैफे, एक दो चार है, तो आपने यहाँ की लोकेशन ही सेलेक्ट क्यों की? यहाँ पे ये अभी नया नया ओपन हो गया है, इसलिए हमने फ्रेंड से सोचा कि जाके मतलब देख के आए क्या है क्या नहीं है, क्या चीज मिलती है, कैसा टेस्ट है, उसके कारण हमने ये चॉइस किया था। लाइटिंग वगैरह भी अच्छी है यहाँ पे, तो सूट के लिए भी हमें बहुत बेनिफिशियल मिल गया यहाँ पे, क्योंकि अच्छे से सूट हो पा रहा है। तो फूड अभी हमने सेक ट्राई किए, सेक अच्छे हैं यार, चॉकलेट सब सारे अच्छे हैं। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, फूड भी यहाँ की लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो आप देख सकते हैं सबको यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी लगी है, आपका फूड भी बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच रिव्यू देने के लिए, थैंक यू। यहाँ पे आपको यहाँ पे पीढ़िया मिल जाता है, यहाँ पे मतलब प्राइवेट डाइनिंग रूम। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ आते हो और अगर प्राइवेसी में आपको बैठना है, तो ये मतलब लोकेशन ये सबसे बेस्ट है, मतलब यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है, और यहाँ पे मतलब काउंटर भी अलग से ही है, और आपको यहाँ पे पूरी प्राइवेसी मिलेगी, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा यहाँ पे, और आप अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आ सकते हो। मतलब डिस्क तो अगर आपको बर्थडे पार्टी के लिए बुक करना है, आप इसको खाली करवा सकते हो, यहाँ पे खाली होता है, और यहाँ पे साउंड सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप म्यूजिक वगैरह यहाँ पे लगता रहता है, और मतलब बर्थडे पार्टीज़ के लिए सबसे बर्थडे पार्टीज़ हो या अदर कोई भी पार्टीज़ वगैरह हो, तो यहाँ पे हो सकती है, और यहाँ पे मतलब अलग से काउंटर मिल जाता है आपको, मतलब नीचे जाकर पे करने की आपको ज़रूरत नहीं, आप यहीं पे कर सकते हो, और ये यहाँ की लोकेशन है बेस्ट। ऊपर हाउस भी बड़ा कम्फर्टेबल है यहाँ पे, और आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ मेरे को तो यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो वैसे आपके पाली में भी ब्रांच है मैंने सुना है, ठीक है, तो फिर सीधा पाली के बाद सुमेरपुर में आपको आइडिया कैसे आया कि सुमेरपुर में खोलना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि व्हेन वी डिसाइडेड टू वर्क लाइक अ कॉफ़ी बीन्स फर्म, तो उसके बाद क्या था कि बस ऐसा सोचा था कुछ बड़ा करना है, और उस पाली में खुलने के बाद जब हमने कस्टमर्स का रेस्पॉन्स देखा, हमारी जो सर्विस हमने उसमें जो इम्प्रूवमेंट की, उसके बाद लगा कि इसे इस चेन को और बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमने और भी कई जगह ट्राई किया था, लाइक फालना और भी जालौर वगैरह देखा था बहुत सारे, तो बाद में डिसाइड किया कि सुमेरपुर इज़ द बेस्ट प्लेस। तो फिर आपने यहाँ का मार्केट कैसे कवर किया, मतलब कस्टमर्स कैसे? सबसे पहले मैं और मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब यहाँ आए थे, यहाँ की लोगों की मतलब थिंकिंग, लोगों को क्या सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी और भी कुछ चीज़ें हैं रेस्टोरेंट के हिसाब से, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ का पूरा माहौल तैयार किया। दूसरा सोशल मीडिया पे हैंडल पे एंड वर्बली भी बहुत हमारी हमने अपनी पूरी की। और मतलब आप इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज मतलब लोगों को प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसे कैफ़े तो है ही है जी, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या सर्विस? जी एक्चुअली कैफ़े अपना रेस्टोरेंट के हिसाब से है, इसमें हम इटालियन मैक्सिकन चाइनीज़ पूरा है हमारे पास, कॉफ़ी की काफ़ी वैराइटीज़ है, हॉट एंड कोल्ड ऑल्सो, एंड उसके बाद हम लोग होम डिलीवरी का भी एक ऑप्शन रखते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। अच्छा, जो कि सुमेरपुर के साथ साथ सिमुज में भी वर्क करता है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर लेते हैं।
जी। और फिर टाइमिंग क्या रहती है आपकी, मतलब सुबह कितने बजे से शाम? गर्मियों में या मैक्सिमम देखा जाए तो अपने 10 से रात को 11 बजे तक, 10 से 11 जी। और सर्दियों में? सर्दियों में लगभग इसी का टाइम है, रात को एक्चुअली क्या फिर रात को जैसे ही लोगों का आना जाना कम हो जाता है, हम लोग बेस्ट सेलिंग आइटम कह दो या फिर आपसे आपके आगे बेस्ट कौन सी आइटम है जो सबसे ज़्यादा सेल होती है? हाँ वैसे अभी आपने जो ट्राई किया था फिकी से, वो यहाँ के लोगों के लिए कुछ नया आइटम था, वो मेरे लिए भी नया था, वो काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा और भी बहुत कुछ आइटम्स है जो हम लोग यहाँ पे नए लाए हैं। दूसरा हमारे पिज़्ज़ा की वैराइटीज जो है उनमें काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे लोगों के अंदर रेस्पॉन्स दिख रहा है। दूसरा कोल्ड कॉफ़ी जो हमारे यहाँ की है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। और ये फीडबैक का आइडिया कैसे, मतलब आपको कैसे मिला ये? हाँ एक्चुअली जब हम इस कैफे लाइन में आए थे तो हमने भी कहीं ना कहीं वर्क किया था, तो वहाँ से ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ें ली है। इसमें से आपको रिव्यू बोर्ड दिख जाएगा जहाँ पे कस्टमर जाने के बाद अपना रिव्यू लिख सकता है, उसे क्या चीज़ पसंद सबसे ज़्यादा आई है या कुछ चीज़ों में उसको अगर चेंजेस चाहिए तो वो बता सकता है। उसके बाद एक बेल भी है, रिंग द बेल इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद आवर सर्विस करके उसमें लिखा हुआ है, तो अगर आप हाईली सेटिस्फाइड है तो आप रिंग को बेल कर सकते हैं, जिससे हमें ये रहे कि हाँ वी आर ऑन द राइट वे। थैंक यू। आपका शुभ नाम बता दो एक बार। मेरा नाम रविंद्र सिंह है जी। और काफ़ी मतलब मैं तो इनसे पर्सनली अटैच हूँ, और आप भी एक बार आप यहाँ पे आके जरूर ट्राई कीजिए यहाँ का फूड वगैरह, मतलब एक बार आते आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे आके अभी मैंने खुद ट्राई किया और लोगों का भी रिव्यू देखा हमने। बस यही है सर, यही चाहिए हमें, इसी बेस पर बस कॉफ़ी बीन्स बढ़ रहा है, और ऐसे ही अगर सेटिस्फेक्शन रहा, कस्टमर सेटिस्फाइड रहे तो हम इस चैन को आगे और बढ़ाएंगे, और जल्दी आपकी जो सिटी है हो सकता है हम वहाँ भी आ जाएं। फाइनली हमारा फूड कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ की फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सर्विस भी हमको काफ़ी अच्छी लगी है, और जो पिज़्ज़ा की क्वालिटी है काफ़ी, और ओरियो ब्रेड शेक भी काफ़ी अच्छा था। आओ तो वो ट्राई किए बिना मत जाना, पैसे लगे लेकिन शानदार आइटम है, आप याद करोगे मेरे को, बहुत अच्छी चीज़ है, और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे इंटीरियर बहुत अच्छा है, अपने सिनेमेटिक शॉट्स में देख लिया होगा। तो इसी के साथ वीडियो का एंड देते हैं, अभी गाइस आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फॉलो कर दो हमको अब तो। और आपने अभी तक ना टीवी स्पोर्ट इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर दो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, और यहाँ की लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।